फर्स्टली थैंक यू VKJ Films फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर द ग्रूमिंग सेशन. चार दिन से सर, तो फर्स्ट डे जब आए थे बच्चे बहुत रॉ थे, उनको चलना नहीं आता था, कैरी करना नहीं आता, हाउ टू वॉक लाइक अ मॉडल, टॉक लाइक अ मॉडल जो हम बोला जाता है, तो उस चीज़ की ट्रेनिंग हमने चार दिन करी है. फ्रॉम देयर वॉक, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, एक मॉडल बनने के लिए जो जो क्वालिटीज़ होती है, हमने उस चीज़ पे प्रेपरेशन किया है. और ये प्रेपरेशन डिटेल्ड होता है कि डे बाय डे हम एक लेसन सिखाते हैं, दो लेसन सिखाते हैं, एंड नाउ वी आर ऑन द फोर्थ डे एंड कंप्लीटिंग आवर ग्रूमिंग सेशंस. आई थिंक ये डे वन के हिसाब से अब जो इनकी पर्सनालिटी जो आई है, न्यू पर्सनालिटी, ये नॉट ओनली फैशन के लिए काम आएंगी बट इनके लाइफस्टाइल भी कैरी करने में, अपने आप को डेली कैरी जैसे करते हैं, ये डेफिनेटली शाइन करेंगे नॉर्मल कंपैरिजन टू अदर मॉडल्स या अदर जो नॉर्मल लोग होते हैं, बिकॉज नाउ दे नो हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक, हाउ टू यू नो इंटरेक्ट विद पीपल. एंड डेफिनेटली एक न्यू होराइजन ओपन हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट योर सेल्फ ग्रूमिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग. सो डेफिनेटली वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड अभी देखते, और इनका खुद का एक पार्ट है, दे शुड प्रैक्टिस एंड दे शुड लर्न मोर एंड ग्रूम देमसेल्फ. हैदराबाद, मैं जो है हैदराबाद से यहाँ पर नागपुर को आया हूँ क्योंकि विजय भाई जो है मेरे बड़े भाई की तरह है, जिनके ऊपर मेरे को पूरा भरोसा था, इस वजह से जो है मैं यहाँ पर ग्रूमिंग के लिए आया हूँ. और दूसरी जगह भी गया हुआ हूँ मैं दो तीन शो में ग्रूमिंग के लिए, बट यहाँ जिस तरह का एक्सपीरियंस मुझे मिला है दूसरी शो में नहीं मिला. और विजय भाई और अभिषेक सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को ये शो में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया. और पहले दिन से आज चौथे दिन तक अभिषेक सर ने बहुत अच्छी तरह से ग्रूमिंग की है. फर्स्ट मेरा ये शो है, पहली बार मैं कर रहा हूँ, और उनके वजह से मैं अभी अच्छी तरह से रैंप वॉक कर सकता हूँ, इसलिए मैं उन दोनों का सहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ. वी केम टू नो अबाउट द वॉइस मॉड्यूलेशन, हाउ वी शुड होल्ड द माइक, एज वेल एज हाउ व्हेन वी शुड स्टॉप, व्हेन वी शुड स्पीक, एंड वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट स्किन टेक्सचर एंड हेयर टाइप्स एंड हाउ टू ट्रीट डिफरेंट स्किन टेक्सचर. And it was a very good session. Thank you so much. Hi, my name is Sakshi Lanjivar. मैं इस India Sparkling Top Supermodel 2021 की contestant हूँ. And it's been a 1 year जो अभी ये finally show हो रहा है due to COVID. And I was really very excited to be the part of this show. And आज day 4 है and today was a very important day. काफ़ी सारे special guests आए, लाइफस्टाइल के बारे में बताया, स्किन के बारे में बताया, वॉइस के बारे में बताया, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस दी. जो हमारे शो डायरेक्टर है अभिषेक सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा ग्रूमिंग किया हमारे लिए. वॉक में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, पर्सनालिटीज़ में जो भी कुछ फॉल्ट्स थे, वो सब इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड शो से मेरी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बिकॉज ये मेरा फर्स्ट शो है. सो आई एम होपिंग कि मैं अपना 100% दे के मैं जीत जाऊँ. जिया खुशहाल निमजे हूँ, मैं मिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है, कंटेस्टेंट हूँ. और डे वन से डे फोर तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है. उन्होंने हमें वॉक कैसे करना है, पोस्चर कैसे रखना है, बॉडी लाइन कैसे रखनी है, ये सब पर्सनली सब कुछ सिखाया गया है हमें. और इवन वो हम लोग को कुछ बताते भी हैं कि लाइक इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, सब कुछ हम लोग को सिखाया गया है. एंड इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ सर को, विजय सर को एंड अभिषेक सर को, थैंक यू वेरी मच. मैं मिसेस कैटेगरी के लिए हूँ, वर्षा तिवारी, और यहाँ पर मेरा फर्स्ट डे से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा है. ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट की तरह मैं देख रही हूँ उसे, क्योंकि यहाँ जो मुझे चीज़ें मिल रही है शायद अब तक मुझे नहीं मिली थी. और मुझे लगता है कि इस तरह के सेशन हर किसी को मिलना चाहिए, इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ खुद की ग्रूमिंग अच्छी तरह से होती है. बात करते हैं शो की. शो का नाम है इंडियाज स्पार्कलिंग टॉप सुपर मॉडल, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं, मिस्टर, मिस, मिसेज, मिस्टीन. और पूरा फैमिली शो है, पारिवारिक शो है, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी हैं. और बात सिर्फ इन चार दिनों की नहीं है, बात है मोर देन 1 ईयर जब से हम इस शो पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. और इसलिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी पूरी टीम को, मेरे पार्टनर आदर्श, मेरे पार्टनर यश, सुरक्षा, सभी की बहुत मेहनत है. उसके बाद वो कंटेस्टेंट्स जिन्होंने एक साल वेट किया, जिन्होंने भरोसा दिखाया VKJ Films और विजय कुमार जाधव यानी मुझ पर कि ये शो डेफिनेटली वन डे होगा. और फाइनली हमने ये चीज़ को एग्जीक्यूट किया. दो बार कोविड
आया, चार चार महीने का गैप रहा, बट भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, कंटेस्टेंट्स ने कुछ ना कुछ करते रहे। और वेट करना एक सबसे बड़ा मुझे लगता है हार्डवर्क है, किसी चीज़ के लिए वेट करना, और स्पेशली उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सेम ये शो जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ऑब्वियसली सभी कंटेस्टेंट के लिए था, और हमारा शो करने का मकसद ऑब्वियसली मैं हर बार बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा, मकसद ट्रॉफी प्राइज मनी क्राउन्स बिल्कुल नहीं है। ये शो करने का मकसद हमारा हमेशा से रहे काम, कि जो भी यहाँ से कंटेस्टेंट जीते वो वेदर मिसेज हो, मिस्टर हो, मिस हो, मिस्टीन हो, वो आगे चल के उसको काम मिल पाए, वो एज ए मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो या फिल्म इंडस्ट्री में हो, उसको काम मिलना चाहिए। अब बात करते हैं चार दिन के ग्रूमिंग सेशंस की। चारों दिन अभिषेक सर जो हमारे ऑफिशियल शो डायरेक्टर एंड मॉडल ट्रेनर हैं इस शो के, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और मुझे लगता था कि मेरे कंटेस्टेंट लाइक ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब बहुत अच्छे हैं, बट जब फर्स्ट डे चीज़ें कमियाँ दिखी ना, तब समझ आया अभी इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और जब इस चीज़ को दूसरा दिन तीसरा दिन हुआ, तो तीसरे दिन डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये सब कब होता है, जब एक आपके पास एक अच्छा टीचर होता है, अच्छा गुरु होता है, जब वो मेहनत करता है आपके ऊपर, तो डेफिनेटली लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो आज इन लोगों के अंदर बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और बात करें आज की, आज का सेशन फोर्थ डे था और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था, जहाँ पे हमारे पास वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए मिस्टर फरहान आए, जो आरजे हैं नागपुर में, अच्छा खासा उनका नाम है। सेकंड हमारे यहाँ पे मिस्टर विनोद सर आए, जो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कंटेस्टेंट को काफ़ी अच्छे से ग्रूम किया, उनको फिटनेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई जो इनको डेफिनेटली इन फ्यूचर काम आएंगी। तीसरे जो हमारे आज के गेस्ट थे, जो स्पेशल वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट मिसेस श्यामल मैम, जो स्किन एक्सपर्ट हैं, और सुंदर दिखना किसको पसंद नहीं है, तो स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये सेशन आई होप बहुत इम्पोर्टेंट होगा, कि जहां छोटी छोटी चीज़ें, जहां हम अपने आप को सुंदर दिखा सकें, हम अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म तक अच्छा रख सकें, तो उनके लिए डेफिनेटली सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल द कंटेस्टेंट। तो ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट्स, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए NGP Live News। हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।